खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह का सोमवार को निधन हो गया है। 73 वर्षीय तारिक लंबे वक्त से बीमार थे। उनकी बेटी नताशा फतेह ने उनके निधन की पुष्टि की है। सोमवार 24 अप्रैल की शाम दोनों ने ट्वीट कर लिखा कि पंजाब का शेर, हिंदुस्तान का बेटा, कनाडा का प्रेमी, सच बोलने वाला, न्याय का योद्धा, कमजोर वंचितों और दबाए गए लोगों की आवाज तारिक फतेह नहीं रहे। उन्हें जानने वाले और प्यार करने वाले उनकी क्रांति को जारी रखेंगे। दूसरे ट्वीट में नताशा ने कहा कि तारिक फतेह हमेशा हिम्मत के साथ मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने तारिक फतेह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि सिर्फ एक ही था तारिक फतेह, चाबाज, मजाकिया, विचारक, बेहतरीन वक्ता और निर्भीक योद्धा। तारिक मेरे भाई, आपको एक करीबी दोस्त के रूप में पाकर खुशी हुई थी। आपको बता दें कि तारिक फतेह एक लेखक होने के साथ पत्रकार भी रहे। उन्होंने हमेशा मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा किया। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को लेकर उनके विचार हमेशा चर्चा में रहे। हाल के सालों में उन्होंने भारतीय न्यूज चैनलों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की खूब तरफदारी की थी। फतेह का जन्म 20 नवंबर 1949 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। विभाजन के दौरान उनका परिवार बॉम्बे से कराची शिफ्ट हुआ था। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, लेकिन बाद में पत्रकार बन गए। 1970 में कराची सन में बतौर रिपोर्टर पहली नौकरी लगी थी। पाकिस्तान में सैन्य शासन के दौरान तारिक दो बार जेल भी गए थे। 1977 में जनरल जिया उल हक के शासनकाल में उनके खिलाफ देशद्रोह का भी मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें पत्रकारिता करने से रोका गया था। साल 1978 में तारिक फतेह ने पाकिस्तान छोड़ दिया और सऊदी अरब चले गए। फिर 1987 में कनाडा शिफ्ट हो गए। वहाँ भी लंबे समय तक पत्रकारिता में सक्रिय रहे। 1996 से 2006 तक उन्होंने कनाडा में टीवी चैनल पर एक साप्ताहिक शो मुस्लिम क्रॉनिकल होस्ट किया था। इसके बाद वो राजनीति में भी आए। इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ अपने विचारों के कारण फतेह को मुस्लिम संगठनों से कई बार धमकी भी मिली। साल 2017 में बरेली के एक मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया फैजान ए मदीना काउंसलिंग ने उनके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। साथ ही उनके शो फतेह का फतावा पर बैन लगाने की भी मांग की थी। तारिक फतेह कनाडियन नागरिक थे, लेकिन वो अपना परिचय कुछ इस तरह देते थे। मैं एक भारतीय हूँ जो पाकिस्तान में पैदा हुआ। इस्लाम में पैदा हुआ एक पंजाबी मुस्लिम चेतना के साथ कनाडा में रहने वाला एक शरणार्थी। मैं सलमान रुश्दी के बहुत सारे मिडनाइट चिल्ड्रन में से एक हूँ, जिसे एक महान सभ्यता की गोद से उठाकर स्थायी शरणार्थी बना दिया।